नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं अखिलेश और शिवपाल यादव को लेकर। जी हां, अखिलेश और शिवपाल के बीच में जिस कदर दूरियां देखने को मिली हैं, इनकी दूरियों की वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जहां लोग अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में दो गुटों में कहीं ना कहीं लोग भी बढ़ चुके हैं। और जिस तरीके से लोग अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं शिवपाल यादव का समर्थन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर देखा जाए तो शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ काफ़ी समय तक वो रहे, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया वो लोगों को भी पसंद नहीं आया और लोग भी काफ़ी नाराज़ हैं अखिलेश यादव से। बीते दिनों जो है हमने इसी पर एक प्रोग्राम किया था जिस पर हमने कहा था कि अखिलेश यादव के को लेकर जो है लोग नाराज़ हैं। और देखिए, बहुत सारे दर्शकों के कमेंट आए, बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में नहीं शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो कमेंट हम शामिल कर सकते हैं, जो पॉजिटिव है, उसे हम शामिल कर रहे हैं। जैसा कि हमारे एक खास प्रोग्राम एक प्रोग्राम दर्शकों के नाम, इस प्रोग्राम के जरिए हम उन दर्शकों के कमेंट अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो दर्शक अच्छा और पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं दिखा सकते, हम आपको दिखाएंगे दर्शकों ने क्या कमेंट किया है, हमारे पास कमेंट भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीति को लेकर। जी हाँ, अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच में जो घमासान चल रहा है इसका बड़ा फायदा उठा रही है तो वह है बीजेपी। देखिए, दो लोगों की लड़ाई में अगर कोई फायदा उठाता है वो होता है तीसरा, और यहाँ पर तीसरे का काम कर रही है बीजेपी। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यूपी में, जिस तरीके से बीजेपी ने यूपी में 70+ का टारगेट किया है, यानी कि 70 सीटों से ज़्यादा जीतने की बात जो है यूपी ने कहीं ना कहीं कही है और इस कोशिश में भी लगी है। आपको बता दें यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 70+ का टारगेट बीजेपी ने किया है, क्योंकि अगर 70+ का टारगेट बीजेपी यूपी में करती है तो इसका अच्छा रिस्पॉन्स बीजेपी को लोकसभा चुनाव में होगा। अगर 70 से कम का टारगेट बीजेपी यूपी में रखती है तो इसका बहुत बड़ा झटका उसे लगेगा। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं टारगेट सेट को लेकर, तो टारगेट पूरा करने में जिस तरीके से बीजेपी लगी हुई है, तो ऐसे में यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी काफ़ी कोशिश कर रही है चुनाव जीतने के लिए। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, तमाम तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, तो ऐसे में हर स्तर पर काम किया जा रहा है। और देखिए, यूपी एक बहुत बड़ी बात है जो है यूपी से। और आपको हम बता दें, जिस तरीके से अखिलेश और शिवपाल के बीच में लड़ाई जो चल रही है, शिवपाल यादव को कह सकते हैं या अखिलेश यादव को नहीं पता था, दोनों को नहीं पता था कि इस तरीके की स्थिति बन जाएगी और शिवपाल यादव इस तरह से नई पार्टी बनाएंगे। और देखिए, नई पार्टी बनाने की जो बात शिवपाल यादव ने कही है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं, उन्होंने अपना जो पक्ष रखा है कि शिवपाल यादव का ये कहना है कि पार्टी तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ यूपी की लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, और अगर देखा जाए तो कैंडिडेट तो उतारेंगे ही, साथ ही साथ वो वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह की रणनीति अपनाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से बहुत हल्के में लिया अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को, आज वही शिवपाल यादव उन्होंने अखिलेश यादव की नाक में दम कर दिया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो समाजवाद, अगर हम देखा जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से बहुत गहरा नाता रहा है शिवपाल यादव का, इतने लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे, लेकिन जिस तरीके से पार्टी में उनकी हैसियत नहीं थी, कुछ इस तरह से उनकी पार्टी में इज्जत नहीं होती थी, उससे शिवपाल यादव काफ़ी नाराज़ रहते थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फैसला लिया। और देखिए, भी कहाँ से कह सकते हैं हम, एक बार कमान से जो है तीर निकल जाती है तो तीर को वापस कमान में लाना आसान नहीं है या फिर संभव ही नहीं है, क्योंकि तीर वापस कमान में नहीं आ सकती। तो इसी तरीके से शिवपाल यादव ने जो फैसला ले लिया है वो बिल्कुल ऐसा ही है, अटल फैसला है। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो फैसला अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। चलिए कमेंट की तरफ रुक कर लेते हैं। आतिफ राणा लिखते हैं अखिलेश मुर्दाबाद, तो वहीं पंकज यादव ने लिखा है शिवपाल जिंदाबाद, इंद्रपाल लिखते हैं जय अखिलेश। तो देखिए, इस तरह से लोगों ने कमेंट किए। और देखिए, सबसे बड़ी और दिलचस्प बात इसमें ये देखने को मिली कि लोगों ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को टारगेट किया, लोग अखिलेश यादव से खुश नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर मैं अमर सिंह की यहाँ पर बात करता हूँ, तो अमर सिंह ने भी एक बार निशाना साधा था
अखिलेश यादव पर और अमर सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने सगों को नहीं छोड़ा राजनीति में, जिस तरीके से अपने सगे लोगों के साथ उन्होंने वादा खिलाफी की, सत्ता लेने के लिए उनके साथ धोखा किया, तो ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। तो जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, ये यहाँ पर देखने को मिला। और देखिए, वाकई में ये देखा जाए तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सत्ता के लालसा में अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव किया, सत्ता यानी कि समाजवादी पार्टी को हाथ में लेने के लिए, कमान हाथ में लेने के लिए, उसकी कमान लेने के लिए जिस तरह से वो बगावत पर बगावत पर उतर आए थे, शिवपाल यादव के साथ उन्होंने ऐसा किया, जो शिवपाल यादव जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाने में जी तोड़ मेहनत की, जिस समाजवादी पार्टी को बनाने में उन्होंने दिन रात एक कर दिया, खून पसीना एक बहाया, ऐसा उन्होंने कहा भी था शिवपाल यादव ने। लेकिन आज उसी समाजवादी पार्टी में जिस तरह से उनकी हैसियत नहीं थी, उनकी इज्जत नहीं थी, इससे काफ़ी नाराज थे शिवपाल यादव और जो फैसला ले लिया। और देखिए, अगर फैसला लिया है तो कैंडिडेट भी उतारेंगे 80 सीटों पर, और 80 सीटों पर अगर कैंडिडेट उतारते हैं तो इसका बहुत बड़ा झटका लगेगा केवल और केवल अखिलेश यादव को, और बड़ा फायदा होगा बीजेपी को। और देखिए, अगर हम बात करते कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम आसान कर दिया शिवपाल यादव ने, जिस तरह से वो मैदान में उतरे हैं और वोट कटने की बात जो निकलकर सामने आई है, जाहिर सी बात है वोट कटेंगे, और अगर जो वोट शिवपाल के खाते में आते हैं, हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव के साथ हाथ मिला लें, उन्हें अपने साथ कर लें, और ऐसे में शिवपाल के खाते में जो सीटें गई हैं वो बीजेपी के खाते में आ जाए। तो देखिए, राजनीति में कब पैतरा बदल जाता है, कब पासा पलट जाता है, इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं होता। और यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर जिस तरीके का जो माहौल बना हुआ है, और कहीं ना कहीं राजनीति में अगर देखा जाए तो हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, हर कोई अपना एम सेट करने में लगा है, हर कोई खुद को जिताने में लगा हुआ है, तो यहाँ पर इससे अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ी हुई है। और अखिलेश यादव चौतरफा तरीके से घिरे हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक मामला सामने आया था, रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया अखिलेश सरकार में बड़ा घोटाला हुआ। और आपको हम यहाँ पर ये जानकारी दे देते हैं, जिस तरीके से एक चीज़ और देखने को मिली कि कहीं ना कहीं अखिलेश और मायावती का जो साथ था लोकसभा चुनाव को लेकर, हालांकि मायावती आगे निकल चुकी हैं लेकिन अखिलेश यादव पीछे रह गए हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव जिस तरह से पीछे रह गए हैं, क्या वो मायावती का हाथ पकड़ के आगे लोकसभा चुनाव की तरफ चलेंगे? अगर मुलायम सिंह यादव की बात करता हूँ, हालांकि उन्होंने आशीर्वाद तो अपने बेटे को दे दिया कि चुनाव में जीतें, लेकिन अब देखिए, चुनाव में जीतने का आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव जो चालाकी से काम कर रहे थे वो अब खुद फंस चुके हैं। वो अब खुद जिस तरीके से अगर देखा जाए तो उन पर निशाना साधा जा रहा है। यादव परिवार में जिस तरह की स्थिति हुई, शिवपाल यादव ने जिस तरह से बड़ा फैसला लिया, और लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने काफ़ी रणनीति बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी रणनीति वो विफल साबित हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो रिपोर्ट की मैं जिक्र कर रहा था, बात कर रहा था कि अखिलेश सरकार में इतना बड़ा घोटाला हुआ, अखिलेश सरकार में ऐसी स्थिति रही, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो माहौल बना हुआ है यादव परिवार में, फूट की स्थिति देखने को मिल रही है, जो अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ बैठकर खाते पीते थे, हंसी मजाक किया करते थे, एक साथ बैठा करते थे, आज वही अखिलेश यादव शिवपाल यादव को देखना नहीं चाहते, आज वही शिवपाल यादव अखिलेश यादव से बात नहीं करना चाहते। जो मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव के साथ बैठकर बातचीत करते थे, और यादव परिवार जिस तरह से एक साथ मंच पर नजर आता था, आज वो यादव परिवार कहीं ना कहीं बिखर सा गया है, आज वो यादव परिवार कहीं ना कहीं टूट सा गया है। जिस तरीके से सत्ता की लालसा में, देखिए शुरू काफ़ी समय पहले से देखने को मिल रहा है कि सत्ता की लालसा में सगे सगों के जो है नहीं होते हैं, तो यहाँ पर तो यही चीज़ें देखने को मिल रही है कि सत्ता की लालसा में सत्ता पाने के लिए, समाजवादी पार्टी की कमान हासिल करने के लिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो चालें चली, जो रणनीतियाँ बनाई, उससे कहीं ना कहीं शिवपाल यादव खुश नहीं है। हालांकि मुलायम सिंह यादव भी अखिलेश यादव से काफ़ी समय तक नाराज़ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने किया वो बहुत गलत किया कहीं ना कहीं देखा जाए। और अगर ये देखा जाए तो अमर सिंह ने जिस तरीके से अखिलेश यादव पर निशाना साधा, और ये भी कहा कि
जिस जब जब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने सगे संबंधियों के साथ सत्ता की लालसा में इस तरह का बर्ताव किया, वो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नजर आई हैं। खैर, देखते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या अखिलेश यादव रणनीति बनाते हैं, और जिस तरह से लोग आज अखिलेश से नाराज़ हैं तो ऐसे में वोट बटने या कह सकते हैं कि वोट कटने, जाहिर सी बात है। बहरहाल, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार। करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।